आज का एक छोटा सा सेशन इस बात के लिए कि कौन से टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हम लोग मेहनत तो करना चाहते हैं। बेशक जो भी बच्चे तैयारी करते हैं तो जब वो तैयारी की शुरुआत करते हैं तो एक बार फिर से कमिटमेंट लेते हैं कि मुझे बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। बट जैसे जैसे वो टाइम पास होता है, बीतता है, तो प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर मोटिवेशन ना मिलने के कारण वो समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पर हमें मैक्सिमम एनर्जी लगानी है, टॉपिक का क्या ऑर्डर होना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें। तो हम लोग उन सारे टॉपिक्स की बात करेंगे जो टॉपिक्स एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, पोर्शन कवर करते हैं। वो टॉपिक्स में आप एक्सपर्ट, एज ए एक्सपर्ट कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी आप इंजीनियरिंग या किसी भी MCA लेवल या 10+2 लेवल की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो हम कुछ टॉपिक्स की काउंटिंग यहाँ पे रखेंगे। उन टॉपिक्स को आपको किसी भी तरीके से, अगर वो तैयारी कर रहे हैं, आपको क्रैक करना है तो ये आपको अच्छे बनाने होंगे, ठीक है। जब भी कोई चीज़ की शुरुआत होती है तो जब हम कोई बहुत बड़ी बात को करने का प्रयास करते हैं, इसका मतलब या तो हम जो बता रहा है वो तो अपने आप को शो करता है, शो करना चाहता है कि मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, या आप बड़ी बात के लिए आशाएं रखे हुए हैं, तो या तो आप नादान हैं। हर बात का एक बेसिक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। अगर आपने वो बेसिक स्टेप वाइज प्रोसेस, वो आधारभूत बेस फंडामेंटल फॉलो नहीं किए तो आपको वहाँ पे समस्या लास्ट तक होगी। तो लास्ट तक पहुँचना है तो सीढ़ी का शुरुआती स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन ऑर्डर है, उस ऑर्डर में सबसे पहले देखा जाए एलजेब्रा को आपको लेना है, ठीक है। मैथ्स का बेसिक आधार है एलजेब्रा, ठीक। एलजेब्रा में आप किन टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, किन टॉपिक्स को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उनका हम ऑर्डर बता देते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, इस टॉपिक पे आप ध्यान इसलिए देंगे कि कहीं पर भी अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, किसी आप मेंटर के गाइडेंस में नहीं है, तो कोई भी टॉपिक, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, कहीं पर भी डिटरमिनेंट कुछ भी शुरू करेंगे, वहाँ पर ऑप्शन में AP, GP, HP का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो आपको ये पता ही नहीं होगा तो इसकी आपको इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आता भी है, मिसलेनियस सीरीज आती है, ठीक। ये आपने तैयार कर लिया। दूसरा टॉपिक अगर आप देखते हैं बेसिक फंडामेंटल के लिए, आप बाइनोमियल थ्योरम को आप देखें कि बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको ये ध्यान देना है इसके एक्सपेंशन आप कर पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है मैथ्स के लिए। तो उस लेवल पे आपको ये बहुत तैयार करना है। उसके बाद आप डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, क्यों? क्योंकि कहीं पर भी कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे होंगे, फ्रैंकली डिटरमिनेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंशन, उसकी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, और उसके साथ साथ आप मैट्रिक्स भी कर लें। क्योंकि जब आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं तो मैट्रिक्स भी कर लें, और मैट्रिक्स के उस पोर्शन को ज़्यादा फोकस करें जिससे क्वेश्चन बन रहे होते हैं, ठीक है। आप उस एरिया को फोकस करेंगे, जब आप पेपर का पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम डीप में ना जाने की वजह से इस बात को यहीं पे रोक रहे हैं, हर टॉपिक के बारे में डिटेल में अभी नहीं जा रहे हम लोग, ठीक है। तो आपने सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स पे आपने ध्यान दिया, ठीक। अब कुछ टॉपिक्स हम आपको बोल रहे हैं, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, चौथा और पाँचवा, ठीक है। एक तो आपको फंडामेंटल के लिए लॉगरिथमिक, लॉगरिथम्स, ये आपको देखना ही देखना है। ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसका मैथ्स में लॉग का बहुत ही रिलेवेंस है। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आपको समस्याएँ आएगी। तो अब इस टॉपिक को कवर कर लीजिए एलजेब्रा के पार्ट में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, इस टॉपिक को
जब आपका फंडामेंटल सही हो जाए, तब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं रह गया। बहुत ही अच्छे लेवल पे इस पर एक्सप्रेशंस की बात होती है। तो आप इस टॉपिक को, अगर आप बिगिनिंग लेवल पे हैं तो आप यहाँ पर कवर नहीं कर सकते, बट आपको क्वाड्रेटिक के रूट्स और उसके टाइप्स इसके बारे में पता होना चाहिए। जब आप देखेंगे, जब डिटेल में जाएंगे एक्सप्रेशंस पे, तो आपकी थोड़ी समस्या आएगी। तो अगर आपको समस्या आती तो वहाँ पे रोक दीजिए, बट आप ध्यान रखिए कि दोबारा फिर से हम आएंगे जब आप कैलकुलस कर लेंगे, ठीक है। तो एलजेब्रा में इन टॉपिक्स पे हम अपने, मैंने बोला ये मेरा खुद का एनालिसिस है, अभी किसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग वेरिएशन हो सकता है, ये टॉपिक्स आपको शुरुआत में तैयार करने लें, ठीक है। एलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री को हम बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। क्या आपको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री एज अ सिंपल टॉपिक है, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, उनके फॉर्मूलेस पे इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बट बाय गॉड अगर आप उस पर समय दे देंगे तो आप देखेंगे कि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है, सारे फॉर्मूलेस के बारे में बहुत आसानी से आप आगे क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को आप एलजेब्रा के बाद इम्पोर्टेंस दे देंगे, उसमें स्कोरिंग टॉपिक कौन है, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट वाइज और स्कोरिंग टॉपिक भी है, और देखा जाए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल ये भी अच्छा टॉपिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तीन टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे बेसिक फाउंडेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कैलकुलस में आगे बढ़ने के लिए इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लीजिए। बाकी टॉपिक्स भी हैं, आपको वहाँ लिस्ट मिल जाएगी, बट इन टॉपिक्स पे आप एक्सपर्ट हो जाइए, फॉर्मूले आप कि आगे वो यूज़ होने वाले हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में ये टॉपिक एलजेब्रा के बाद आप तैयार कर लेंगे, ठीक। वेक्टर एलजेब्रा हमने यहाँ पे इसलिए लिया कि वेक्टर एलजेब्रा अगर आप एक बार लगा लेते हैं तो क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि क्वेश्चन लग गया, मतलब आप 100% एश्योर हो जाएंगे पहले से ही देख कर कि अगर आप पढ़ चुके हैं तो ये लगा है तो सही लगा होगा। तो वेक्टर एज ए बोनस है, अभी मानते वेक्टर एलजेब्रा क्या है, बोनस है। एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद वेक्टर एलजेब्रा के लिए आप बिल्कुल श्योर शॉट होगा कि क्वेश्चन आएगा तो हम लगा ले जाएंगे, तो इसीलिए अब क्वेश्चन आते भी हैं एक स्कोरिंग टॉपिक मानते हैं, तो इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए कि पहले से ही इसमें रिस्क मत लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास अब मेजर पोर्शन बचा हुआ है कोऑर्डिनेट, आपको यहाँ लिस्ट कर देते हैं कौन कौन से अभी हमने बचा के रखे हैं, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस। एक सेक्शन को अलग से लेते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके साथ साथ अब प्रोबेबिलिटी, और जब प्रोबेबिलिटी आप देख रहे होंगे तब आपका सेट्स भी इसमें आएगा, ठीक है। ये टॉपिक देखा जाए तो एक अच्छा खासा पोर्शन कवर करता है, मगर हम इसको तभी सजेस्ट करेंगे वन एंड हाफ मंथ्स बिफोर एग्जाम। जो भी आपका नोटिफिकेशन है, जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप पहले से इतना समय निकाल के रखिए कि इतने पहले इस टॉपिक को ज़रूर कवर कर लेना है, क्योंकि ये टॉपिक जब आप अगर शुरुआत में कर लेते हैं तो अगर आप दोबारा रिवीजन नहीं करते हैं, हम लोग याद आता है कि रिवीजन उतना अच्छे से कर नहीं पाते हैं अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है, कोई अगर आपका मेंटर नहीं, उतना मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, तो हम एक टॉपिक को करने के बाद उसको दोबारा नहीं खोल पाते हैं, टेस्ट अगर नहीं लिए जा रहे हैं तो वो टॉपिक का एफर्ट्स तब जाया हो जाता है जब टॉपिक का बार बार कहीं रिकॉल नहीं हो पाता है। तो
तो प्रोबेबिलिटी एक अलग सेक्शन है, लॉजिकल सेक्शन। जब प्रोबेबिलिटी आप करेंगे तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और सेट थ्योरी का रिकॉल होगा, ये कॉन्सेप्ट आएंगे। तो एक ये पूरा इंटीग्रेटेड टॉपिक है, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस बहुत है, आज की डेट में बहुत ज़्यादा आते हैं, बट एग्ज़ाम के आसपास आपको इसको रिविज़न करना ही है, ठीक है। अब बात आती है कैलकुलस और कोऑर्डिनेट की, दोनों ही मेजर पोर्शन है, बिल्कुल डिनाई नहीं किया जाता, स्कोरिंग पोर्शन है। अभी तक जितने बताए उन पोर्शन से ज़्यादा कैलकुलस और कोऑर्डिनेट स्कोरिंग पोर्शन है, टाइम टेकिंग है। कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, हमने कुछ डिफरेंस इसमें कर दिया, गैप कर दिया है, कोई रीजन है। आप जब भी एग्जाम के एनालिसिस करेंगे इस पोर्शन से कम क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में इस पोर्शन से क्वेश्चन कम आते हैं। अगर एग्जाम के पर कंसर्न है, एग्जाम में स्कोरिंग क्या है तो ये है, अगर आपने ये कर लिया तो इसके कॉन्सेप्ट इसके कॉन्सेप्ट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट इसके कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं। तो अगर आप ये पहले से करके बैठे हैं, लास्ट में एग्जाम के टाइम पर अब ये रिवीजन कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। जो भी फॉर्मूले हैं, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, सारे फॉर्मूले में एक पैटर्न है, डायरेक्टो यही, बस कोई अंतर नहीं है। तो इसकी आपको हेडक नहीं लेनी है, अलग से बस थोड़ा सा रिवीजन करना है, फॉर्मूले याद करना है। ये टाइम टेकिंग है, ये ध्यान रखिए टाइम टेकिंग है बट स्कोरिंग कम है। ये स्कोरिंग है, पूरी कोऑर्डिनेट का स्कोर इस पर डिपेंड करता है, बट ये आएंगे तब जब ये फंडामेंटल है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं, ये फंडामेंटल है, जब तक आप इसमें समय नहीं देंगे तो ये आएगा नहीं। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि स्कोर की, तो अगर दो टॉपिक को आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, मतलब टॉपिक तभी कर पाएंगे जब इन पे आप समय दे चुके होंगे। तो पहले आप इनको अच्छा कर लीजिए एग्ज़ाम टाइम पर, तो ये एग्ज़ाम टाइम के लिए, किसके लिए हैं, एग्ज़ाम टाइम आप इन्हीं पे ध्यान देंगे, तब आप किसी पे ध्यान नहीं देंगे, एग्ज़ाम टाइम ये करेंगे बिफोर द एग्ज़ाम। और अभी आप किन पे ध्यान देंगे बिफोर द, मतलब एग्ज़ाम से काफ़ी सारे पहले, ठीक है। दो टॉपिक अगर आपने कर लेते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आने वाले हैं, तो कॉन्सेप्ट यहाँ से, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ब्लॉक ही हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इन्हीं से बनेगा, ठीक है, ओके। बराबर ही हमने बताया नहीं कि कब शुरू करने हैं, ठीक। कैलकुलस में रियल फंक्शन, मगर रियल फंक्शन बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते, कुछ स्टेट कुछ क्वेश्चंस आते हैं उतने ज़्यादा नहीं। लिमिट, कॉन्टीन्यूटी, डिफ्रेंसिबिलिटी, तो मेरे हिसाब से आप अच्छे से लिमिट करिए, फिर कॉन्टीन्यूटी और डिफ्रेंसिबिलिटी पर समय दीजिए। कॉन्टीन्यूटी डिफ्रेंसिबिलिटी में जब आप लिमिट इवेल्यूशन करते हैं तो आपको फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है, जब आप कॉन्टीन्यूटी की तरफ बढ़ते हैं, लिमिट से जब कॉन्टीन्यूटी की तरफ बढ़ें तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फंक्शन, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, सिग्नम, इनका फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट होने लगता है, और यहाँ पर भी बहुत अच्छे से होता है। तो जैसे जैसे जो फंक्शंस यूज हो, जिन फंक्शंस के बारे में आप, तब उस फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन, उनको डिफाइन करना, उनके बारे में सीखते रहें। तो जब आप इनको अच्छे से करेंगे तो इसमें जो कॉन्सेप्ट होंगे जिनकी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप उसको कॉन्सेप्चुअली यहाँ से करते रहिए, तो फंक्शन भी इसमें आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है।
इतना पोर्शन आप कर लीजिए। फिर मेरे हिसाब से अगर आपका ये पोर्शन कंप्लीट है, ठीक, तो आपके पास एक और टॉपिक है जो टाइम टेकिंग हो सकता है, उसको भी आपको तैयार करके रखना है, इम्पॉर्टेंट भी है, वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये टॉपिक एग्जाम टाइम नहीं, उससे पहले करना होगा, ठीक है, ये टॉपिक पहले करना होगा। इतना आप कैलकुलस से पहले कवर कर लीजिए किसी भी तरीके से, क्योंकि एग्ज़ाम की अगर नोटिफिकेशन आ गई, टाइम आ गई, तो टाइम टेकिंग है, फिर ये आपको छोड़ने पड़ जाएंगे। ये टॉपिक आपको करके रखने हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट में बताए कौन से टॉपिक किस तरीके से हैं, अब हम बता दें कैसे पढ़ना है आपको, ठीक। पहले आप कैलकुलस शुरू करें। कैलकुलस में आप लिमिट, कॉन्टीन्यूटी और डिफ्रेंसिबिलिटी इतना, और फिर उसके साथ है डिफरेंशिएशन, और एक और ग्राफिकली अप्रोच आपकी डेवलप हो, ग्राफ, ग्राफिकली यानी ग्राफ, इतना आप कर लीजिए कैलकुलस में, ठीक है। इतना आप कैलकुलस में कर लीजिए पहले, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे नहीं होने वाला, अच्छे तरीके से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद कैलकुलस को थोड़ा सा रोक दीजिए, क्योंकि एक मेजर पोर्शन अभी हम छोड़ के रखे हैं, कोऑर्डिनेट। आपको फिर कोऑर्डिनेट ओपन करनी है। कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन सिस्टम, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये आपको कार्टेशियन सिस्टम, स्ट्रेट लाइन और सर्कल कर लेना है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक के लिए आपका फाउंडेशन अच्छे से करिए, एग्ज़ाम के काफ़ी दिन पहले करिए, कम से कम 4 महीने पहले आप कर लीजिए, 3 महीने पहले कर लीजिए, ये आपका कवर हो जाना चाहिए। ये अगर ये टॉपिक इस उतने ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है, बट ये टॉपिक करने के बाद आप काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक करने वाले हैं जिन पे आपको समय कम लगेगा बट स्कोर ज़्यादा बनेगा, ठीक है। इन पे लगेगा समय, जब आप इनको लगाने के साथ मॉडल देंगे कि लगेगा कि आपको नहीं लग पा रहा है, बट एक टाइम ऐसा होगा कि जब इन पे समय लगाने के बाद थोड़ा और समय दे देंगे आगे आने वाले टॉपिक पे, तो आप अच्छे क्वेश्चंस कर जाएंगे। तो ये इत्मीनान से होना चाहिए। तो आपने कैलकुलस पहले की उतनी, फिर आपने कोऑर्डिनेट कर ली, कोऑर्डिनेट फिर आप कैलकुलस पे स्विच करिए, फिर आप कैलकुलस पे जाइए, कैलकुलस पे आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को आप प्रॉपर कर लें, वहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले और डेफिनेट इंटीग्रेशन फिर से करें। तो उससे डेफिनेट इंटीग्रेशन से फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ पे फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, तो सारे फंक्शंस और सारी चीज़ें जो आपने की थी पहले डिफरेंशियल कैलकुलस के, लिमिट, कॉन्टीन्यूटी, डिफरेंसिबिलिटी, वहाँ पे फिर से यूज़ होगी वो चीज़, फिर से आपका रिविज़न होगा, ठीक है, फिर से आपका रिविज़न हो जाएगा, ओके। हाँ, और इसके साथ साथ आप एरिया अंडर कर्व कर लें, कर्व स्कोरिंग टॉपिक है, ये भी आप करके बैठ जाइए। फिर आप उसके बाद इतना कवर करने के बाद यहाँ पर फिर आ जाइए, पैराबोला और एलिप्स, इतना आप फिर से कर लीजिए, ठीक है। अब आपको जो भी अभी सिलेबस बताया गया, यानी कि बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन, और आपको टेंशन अब नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास 2 महीने भी हैं, तो जो टॉपिक बचे हैं, वो टॉपिक जो हमने बचाए हैं अभी, अब वो टॉपिक मैं लिखने वाला हूँ, जो टॉपिक अभी हमने नहीं लिए, उन टॉपिक्स को, वो टॉपिक वैरी करते हैं एग्ज़ाम पर, किस पर करते हैं वैरी, एग्ज़ाम। अब हम वो टॉपिक बताने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम डिपेंडेंट है, जिसका आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप उसका पहले क्या करिए, सिलेबस देखिए, एग्ज़ाम में आए क्वेश्चंस का डिटेल में एनालिसिस करिए, फिर देखिए कि इनके अलावा किस बात पर वो फोकस कर रहा है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। तो उनमें कौन से हैं, कैलकुलस में, कैलकुलस में मैक्सिमा मिनिमा, रोल्स थ्योरम, जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो, टेंजेंट नॉर्मल और डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल
इक्वेशन, हमने बोला एग्जाम डिपेंडेंट है, एग्जाम में आए हुए एग्जाम में ये इन इन पोर्शन पे के बारे में पूछ रहा कि नहीं पूछ रहा। लास्ट 10 ईयर्स से आप पेपर उठाइए, लास्ट 20 ईयर्स के पेपर उठाइए, देखिए इनसे बन रहे कि नहीं बन रहे, या कोई और टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कोई भी और सेक्शन से बन रहा है तो आप उसको करना है फिर, ठीक है ओके। एक और टॉपिक ले रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स जहाँ पे मीन मीडियन और मॉड की बात होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन की। अगर ये एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आप इसको कर लीजिए वहाँ पे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए लास्ट ईयर में तो ये भी ऑप्शनल है। कैसा है? ऑप्शनल टॉपिक है, एग्जाम डिपेंडेंट है। एक है 3D, क्या है 3D, ठीक है, 3D ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ठीक है, ये आप देख लीजिए। एग्जाम पर ये डिपेंड करती है, उस एग्जाम में अगर आ रहे हैं क्वेश्चंस लगातार, हर एक बार एक दो क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं तो अब इन टॉपिक्स को आप देख लीजिए, ठीक। तो पहले जो टॉपिक हमने बताए थे वो टॉपिक आपको बेसिक फाउंडेशन है, कॉमन टॉपिक है, वो टॉपिक अगर आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आप भूल जाइए, कोई एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। उसके बाद हमने बताया या कोई टॉपिक और कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो हमने बोला कि अगर इन बातों पे बात करते हैं तो आप जिस एग्ज़ाम को देने वाले हैं उस एग्ज़ाम को आप पेपर लीजिए, पेपर बहुत अच्छे से बहुत आराम से अवेलेबल हैं आज की डेट में, डिजिटाइजेशन है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे मीडियम्स हैं, पहले नहीं हुआ करते थे, आप नेट पर सर्च करेंगे आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। डिटेल में आप हर लास्ट ईयर के पेपर्स को देखिए, सिलेबस को देखिए, देखिए पैटर्न क्या है, पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई ऐसे क्वेश्चंस जो एक उनका पैटर्न होता है वो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप डिनाई नहीं कर सकते, उनको भी फिर आपको इन सारे टॉपिक को कवर करने के बाद करने होंगे। और कम से कम आपके पास 35 डेज होने चाहिए उससे पहले आप इन सब चीज़ों को बाइंड अप कर पाएँ। 35 डेज के बाद आपको क्या करना है कि अब आपको उसी तरीके के पेपर्स को लगाना है, क्या दे लगाना है, मॉडल, मॉक टेस्ट, ओरिजिनल पेपर बिफोर द एग्ज़ाम ऑफ लाइक 30 डेज, ओरिजिनल पेपर। अब इन पे ही ध्यान देना है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हुए तो आप भूल जाइए कि एग्ज़ाम आपसे अब निकलने वाला है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बाइंड करनी है। तो होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लास्ट तक गए होंगे तो जो मेरी एनालिसिस है, अगर आपने इसको एज ए कमिटमेंट बना लिया तो बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत जो सारे बच्चे परेशान हैं उनके लिए हमने ये किया हुआ है, ठीक है। और फीडबैक जरूर दीजिए कि कौन सी बात हमने मिस कर दी है या कौन सी बात पे इम्पोर्टेंस नहीं दिया, अगर आप ऐसा देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और रियल में उनके लिए थैंक यू बोलेंगे हम जो ऐसा करते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप किसी रिसोर्सेज के लिए नहीं पहुँच पा रहे, मिसगाइड हो रहे तो प्रॉपरली आप www.marulaclasses.in पे इस लिंक पे आप जाएं, हाँ इसको अगर नहीं दिख रहा है www.marulaclasses.in ओके .in, और भी मारुला क्लासेस की वेबसाइट है, मगर ऐसे पेपर ओरिजिनल पेपर लेने के लिए मतलब ऐसे ऐसे पेपर हैं जो बहुत ही मुश्किल में मिले हैं, शायद उनका एक ही पेपर पड़ा हो बट वो अवेलेबल नहीं है, किसी तरीके से ढूंढ के उसको डाला गया है। तो एमसी वाले बच्चे इस चीज़ पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, किसी चीज़ को भी प्राइवेट नहीं या कोई भी ऐसे सिक्योरिटी चेकर नहीं बनाया गया, आप PDF फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। इमेज के रूप में जब डेटा को सेव किया जाता है, जब आप उसको डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकालते हो ब्लर हो जाता है वो, ठीक है, वो सिक्योरिटी पर्पज से किया जाता है, चाहे तो हम लोग भी कर सकते हैं बट हमने करवाया नहीं, जैसे कि बच्चे को पढ़ पाए, बच्चे को समझ में आए, तभी PDF फॉर्म में कराया गया है, ठीक है। और मावला क्लासेस के आप YouTube चैनल पे तो हैं ही, ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देते रहेंगे, बस आपका और हमारा कम्युनिकेशन हम चाहते हैं। हमने बोला कि हमारे वीडियो में आप ऐसे कोई भी कमेंट मत करिए जो नाइस हो, नाइस वीडियो, लाइक वीडियो, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कर रहा है, आप प्लीज़ जो पढ़ने वाले वो अपने, हमने बोला ही कि हम लोग रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आगे करेंगे, बट
आप वहाँ पे डालिए, हम लोग सीन करते हैं, ठीक है, ज़रूर आपके बात पर रिस्पॉन्स करते हैं, हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो आप वहाँ पे अपनी बात को रखिए, जो भी मीडियम और क्रिएट किए जाएंगे चीज़ें और बढ़ाई जाएंगी, ठीक। आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे और भी कुछ चीज़ें अच्छी करेंगे आपके लिए, आगे और भी अच्छे सेशंस हम लोग लेंगे, ठीक।